जैसे पीपल के पत्ते में पराग होता है, हमारा हिंदू धर्म हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोग भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में बनाने वाले, पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण, पीपल के पत्ते का इतना लेख। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है, उसके नीचे थाली रख देना चाहिए और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और उसका पराग जब झड़ जाए वो पानी को बाल्टी में धो लो और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन 8 दिन 20 दिन स्नान करिए, धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है, सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापस अपने रंग में आना चालू हो जाता है। शिव पंचायत में गुड़ चावल लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर नेत्र नासिका वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाता है, जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता या नौकरी नहीं लग रही या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है, पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं, मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं उस मंदिर में किसी भी पात्र में एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं बेटा, अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में जुए आदिक में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए, करना एकादशी। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं दिखती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए, शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए, 5 सोमवार करके देखो, 6ठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे, जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है घर में, ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है, जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं है, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर, उसमें थोड़ा धना जानते हो, खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में
पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर उस पर तीन बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रख कर आ जाता है उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश करते हैं।